पंजाबी एक्टर मंगल धिल्लन का रविवार को लुधियाना के कैंसर अस्पताल में निधन हो गया। मंगल धिल्लन लंबे समय से बीमार थे। एक महीने से उनका लुधियाना के अस्पताल में कैंसर का इलाज चल रहा था। इसके बावजूद एक्टर की हालत बिगड़ती चली गई। ढिल्लो एक्टर के साथ एक लेखक, निर्माता और निर्देशक भी थे। मंगल धिल्लन का पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड तक ले जाने में खास योगदान रहा है। मंगल धिल्लो ने छोटे गांवों के कई युवाओं को फिल्मी दुनिया तक पहुंचाया। सबसे पहली उनकी फिल्म आखिरी अदालत 1988 में आई थी। एक्टर यशपाल शर्मा ने उनके निधन की जानकारी दी। मंगल धिल्लो का जन्म पंजाब में फरीदकोट जिले के गांव वांदर जटाना में हुआ था। फरीदकोट के सरकारी स्कूल से उन्होंने चौथी क्लास तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वे उत्तर प्रदेश चले गए, जहां उन्होंने जिला परिषद स्कूल से आगे की पढ़ाई की और फिर वापस पंजाब लौट गए। उन्होंने मुक्तसर के सरकारी कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी। मंगल धिल्लो ने साल 1986 में पहला टीवी सीरियल कथा सागर किया था। इस मशहूर टीवी शो ने उन्हें घर घर तक पहचान दिलाई। अपने करियर में उन्होंने किस्मत, द ग्रेट मराठा, मुजरिम हाजिर, रिश्ता मौलाना आजाद, नूरजहां जैसे धारावाहिकों में काम किया। मंगल धिल्लो ने MD & कंपनी के नाम से प्रोडक्शन हाउस खोला था, जिसके जरिए वे पंजाबी फिल्में बनाते थे। 1994 में उनकी ऋतु धिल्लो से शादी हुई। उनकी पत्नी भी उनका हाथ बटाती थी। मंगल धिल्लो की यादगार फिल्मों में खून भरी मांग, दयावान, जख्मी औरत, प्यार का देवता, विश्वात्मा जैसी फिल्में शामिल हैं। मंगल धिल्लन ने फिल्मों में रेखा से लेकर डिंपल कपाड़िया और शबाना आजमी संग काम किया। उन्हें आखिरी बार फिल्म तूफान सिंह में देखा गया था। यह फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई थी।